Assalamu alaikum class. Today in this lecture we will discuss and learn about Hantavirus pulmonary syndrome, its mode of transmission, its occurrence, its various causes, as well as in the last we will discuss about the treatment of Hantavirus pulmonary syndrome. So the Hantavirus pulmonary syndrome is a recently recognized disease of the lungs. Yani ek nayi bimari hai jo ke lungs ki hai, jisko recently recognized kiya gaya hai. The disease is characterized by flu-like symptoms. Ab isme kuch aisi alama zahir hoti hain jaise koi kisi ko flu ho gaya ho. Usually fever greater than 100, muscle itches, yani muscle pain isme hongi, fever jo hai 100 yani ke degree se zyada hoga, and chills. और सर्दी बहुत ज़्यादा लगेगी, शदीद सर्दी लगेगी, followed by difficulty in breathing, और सांस लेने में क्या होगा, बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना होगा. The disease results from exposure to rodents. अब हम उन rodents को next slide में discuss करेंगे कि किन किन rodents की वजह से जो है ये disease हो सकती है और कैसे इसको transmit करते हैं. So now in this slide we will discuss about the mode of transmission of Hantavirus. अब अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे जो है डियर माइस, कॉटन रैट्स, राइस रैट्स या इसी तरह से वाइट फुटेड माउस जो है, ये हैंटावायरसेस के क्या हैं, रिजर्वायर हैं, यानी इनके अंदर हैंटावायरस जो है वो हो सकता है. द रोडेंट्स शेड द वायरस इन देयर यूरिन ड्रॉपिंग्स एंड सलाइवा. अब रोडेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि वायरस नंबर वन स्टेप में वायरस कंटेंड इन रोडेंट फीसीज. अब रोडेंट के जो फीसीज हैं उनके अंदर वायरस मौजूद है. और सेकंड स्टेप में देखें द इन्फेक्टेड फीसीज बिकम एयरबोर्न. अब जो उसके फीसीज हैं वो क्या हो चुके हैं, एयरबोर्न. अब एयरबोर्न से क्या मुराद है कि जब कोई यूरिन रोडेंट का ड्रॉपिंग्स या नेस्टिंग मटेरियल को अगर हिलाया जाए तो उसमें से क्या होता है, टाइनी ड्रॉपलेट्स जो होते हैं जिनके अंदर वायरस मौजूद होता है वो एयर में चले जाते हैं. यानी अगर आप ड्रॉपिंग को, यूरिन को या उसके नेस्टिंग मटेरियल को हिलाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो वायरस वाले पार्टिकल्स हैं वो हवा में चले जाएंगे. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज एयरबोर्न ट्रांसमिशन. सो इन दिस इमेज यू मे सी दिस वर्ड हियर, एयरबोर्न ट्रांसमिशन. इन्फेक्टेड फीसीज बिकम्स एयरबोर्न. जब वो एयरबोर्न हो जाएंगे तो वो फीसीज क्या होगा कि जो पर्सन वहाँ पर होगा उसको क्या हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, इन्हेलेशन ऑफ फीसीज बाय द ह्यूमन. अब थर्ड स्टेप में देखें तो इन्हेलेशन ऑफ फीसीज हुई है बाय द ह्यूमंस. एंड इन द लास्ट द सिम्टम्स अपीयर इन ह्यूमन बीइंग्स लाइक मसल एचिज. तो मसल एचिज जो हैं या मसल्स के अंदर जो है वो पेन स्टार्ट हो जाएगी, शदीद फीवर हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा एंड कफिंग उसके अंदर स्टार्ट हो जाएगी. यानी तो इस तरह से ये जो है इन्फेक्टेड जो रोडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, इसका बायस बनते हैं. और जो उनके फीसीज हैं या उनकी ड्रॉपिंग्स हैं या उनका यूरिन है, जो भी है, उसके ज़रिए से ये क्या होता है, ट्रांसमिट वायरस हो सकता है. और फिफ्थ स्टेप में देखें तो ये क्या करता है, इट कॉजेज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. अब ये वायरस क्या करता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करता है जिससे इंसान को सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है. दिस स्लाइड इज़ ऑल्सो शोइंग द हैंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम which is a rodent borne disease. Hantavirus pulmonary syndrome is the life threatening disease which is spread to humans in California most often by deer mice. ab deer mice jo hai ye hum next slides mein dekhenge isko ki ye kahan pe hota hai aur kis tarah ka ye nazar aata hai aur kaise ye jo hai transmit karta hai infection ko. the symptoms are similar to influenza. अब इसमें जो है जो वायरस रख सकते हैं यानी कि जो हैं रोडेंट्स उनमें आता है डियर माइस के फीसिस, यूरिन एंड सलाइवा. यानी तीन जो चीज़ें हैं माइसिस की उनके अंदर हो सकता है, जैसा कि स्टेप वन में आप देख सकते हैं डियर माइस के फीसिस, यूरिन और सलाइवा जो है वो क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं. नंबर टू में देखें अगर इन्फेक्टेड ड्रॉपिंग बिकम्स एयरबोर्न, जैसा कि आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि वो ड्रॉपिंग्स को अगर हिलाया जाए या स्टीर किया जाए उससे क्या होगा, वो एयर में उसके ज़रिए से पार्टिकल्स वायरस के जो हैं वो रह जाएंगे, तो वहाँ से फिर वो ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट हो सकते हैं, जैसे कि ये ट्रांसमिशन दिखाई गई.
अब थर्ड स्टेप में क्या है, इनहेल्ड बाय ह्यूमंस, अब वो वायरसेस को ह्यूमन बींग्स इनहेल कर लेंगे, और फोर्थ स्टेप में क्या होगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, अ सीरियस इन्फेक्शन दैट गेट्स वर्स क्विकली। और सिम्टम्स अगर हम इसकी देखें तो अर्ली सिम्टम्स में क्या है, चिल्स यानी सर्दी शदीद लगती है, फीवर हो जाता है, मसल एचिस, मसल्स के अंदर दर्द बहुत होगा, शदीद पेन होगी। बट इन केस ऑफ लेटर सिम्टम्स यानी 1 to 2 days लेटर जो सिम्टम्स अपीयर होती हैं उनमें क्या है, ड्राई कफ, हेडेक, नोजिया एंड वोमिटिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। तो ये डिजीज़ को अगर हम देखें तो ये कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, इट इज़ मोस्ट प्रीवेलेंट इन रूरल एरियाज़, यानी वो इलाके जहाँ देहाती जो इलाके हैं जहाँ पे रोडेंट्स वगैरह के जो हैं वो रहने के चांसेस हैं, या जहाँ पे रोडेंट्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ये डिजीज़ के भी चांसेस ज़्यादा हैं, यानी इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा हैं इस पल्मोनरी सिंड्रोम के। कैंपर्स एंड हाइकर्स मोर लाइकली टू कैच डिजीज़ बिकॉज टेंट्स रेस्ट ऑन द ग्राउंड, अब जो कैंपिंग करते हैं या हाइकिंग करते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं कहीं दूर दराज, तो वहाँ पे उनको चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अब उनके जो टेंट हैं वो ग्राउंड के साथ टच करेंगे और वहाँ से क्या होगा, ट्रॉपिंग्स जो हैं वो जब हिलेंगी या मूव करेंगी तो उससे वायरस जो है वो एयर में ट्रांसमिट हो जाएगा, एंड इट कैन नॉट बी स्प्रेड बिटवीन ह्यूमंस। अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती, रोडेंट टू ह्यूमन हो सकती है, बट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट ये नहीं हो सकती है, ये स्प्रेड नहीं कर सकती इस तरह से। नाउ वेयर द हेंटा वायरस इज़ फाउंड, cases of human hantavirus infection occur sporadically, which means occasionally, usually in rural areas where forest fields and farms offer suitable habitat for the virus's rodent host. yani iske cases kahan pe zyada report hote hain, dehati ilakon mein jahan pe jangalat hain, khet hain, farms wagaira bane hue hain, aur wahan pe kya hoga, rodent host jo hain wo aasani se reh sakte hain aur virus bhi unke andar persist kar sakta hai. Areas around the home or work where rodents may live, for example houses, barns, outbuildings and sheds. अब जो पुरानी buildings हैं या जो बाड़े हैं या घर हैं वहाँ पर भी क्या हो सकता है, ये virus के होने के chances हैं. And potential sites where people may be exposed to the virus. अब चूँकि वहाँ पर rodents रहते हैं तो rodents के अंदर क्या है, virus मौजूद है, इसलिए human beings की infection के chances भी वहाँ पर क्या हैं, ज़्यादा हो सकते हैं. So now in this slide you can see the image of a hantavirus. Hantavirus virions have spherical shape with size varying between 80 and 120 nanometer. Hantavirus's genome is comprised of 3 segments of single-stranded negative sense RNA. Based on their size, these 3 segments are named small, medium and large. As are shown in this image और डायग्राम, ये देखें अगर आप, तो इसमें ये स्मॉल सेगमेंट से दिखाया गया है, फिर उसके बाद ये मीडियम सेगमेंट है उसका, और फिर ये लार्ज सेगमेंट है जो कि इसके आरएनए जीनोम का है, यानी इसके अंदर 3 सेगमेंट्स इस तरह से पाए जाते हैं. और जैसा आपको पहले बताया, इसकी शेप क्या है, स्फेरिकल शेप होती है इस वायरस की, और इसका अगर हम डायामीटर देखें तो वो वेरी करता है बिटवीन 80 and 120 नैनोमीटर. Now in this slide you can see the image of a deer mouse which is rodent native to North America, and it is most commonly called the deer mouse, although that name is common to most species of Peromyscus, and thus it is often called the North American deer mouse, and it is fairly widespread across the continent, with the major exception being the southeast United States and the far north. The deer mouse is small in size, only 3 to 4 inches long, not including the tail. They have large beady eyes and large ears, giving them good sight and hearing. Their soft fur can vary in color from white to black, but all deer mice have a distinguishable white underside and white feet. अब अगर आप इसकी पहचान करें तो इसकी जो अंडरसाइड है ये वाइट है, और इसके फीट भी क्या होते हैं, वाइट होते हैं, जैसे ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. इसके कान काफ़ी बड़े हैं, आँखें इसकी बड़ी हैं, और इसी वजह से इसकी जो सेंस ऑफ साइट एंड सेंस ऑफ हियरिंग है वो क्या है, बड़ी शार्प है.
Now, the several other hantaviruses are capable of causing hantavirus infection in the United States. These includes the New York hantavirus, which is carried by the white-footed mouse. अब इसका जो vector है या carrier है वो क्या है? White-footed mouse है, which is associated with hantavirus pulmonary syndrome cases in the northeastern United States. And the second one is Black Creek hantavirus, which is carried by the cotton rat, and it is found in the southeastern United States. Cases of hantavirus pulmonary syndrome have been confirmed elsewhere in the Americas, including Canada, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Panama, Paraguay, and Uruguay. अब इस स्लाइड के अंदर आप राइस रैट देख सकते हैं जो कि हैंटा वायरस को स्प्रेड करता है अमेरिका के अंदर और इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जैसे दे आर मीडियम साइज रैट्स विद लॉन्ग कोर्स फर द अपर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी आर ग्रे टू रेडिश एंड द अंडर पार्ट्स वाइट टू बफ दे हैव ब्रॉड फीट विद रिड्यूस्ड और एब्सेंट अंगुअल टफ्स और इनके हैबिटेट जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं दे लिव इन वेटलैंड्स सच एज लेक्स मार्शीज एंड रिवर्स और गेस्टेशन पीरियड इनका 21 से 28 दिन का हो सकता है इन दिस स्लाइड यू कैन वॉच द इमेज ऑफ कॉटन रैट जो के स्प्रेड करता है हैंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम को अ कॉटन रैट इज एनी मेंबर ऑफ द रोडेंट जीनस सिग्मोडोन कॉटन रैट्स हैव स्मॉल ईयर्स एंड डार्क कोट्स एंड आर फाउंड इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका दे आर प्राइमरली हर्बीवोर्स The molars of cotton rats are S-shaped when viewed from the above. This slide is showing the white-footed mouse, which is a rodent native to North America, and they have certain unique characteristics like their adult are 90 to 100 millimeter in length, not counting their tail. And white-footed mice are omnivorous and eat seeds and insects. It is timid and generally avoid humans, but they occasionally take up residence in ground floor walls of homes and apartments, where they build nests and store food. Now question arises how people get infected with the hantavirus. In the United States, deer mice along with cotton rats, rice rats in the southeastern states and the white-footed mouse in the northeast are reservoirs of the hantavirus. The rodents shed the virus in their urine, droppings and saliva. The virus is mainly transmitted to people when they breathe in air contaminated with the virus. When fresh rodent urine droppings or nesting material are stirred up, tiny droplets containing the virus gets into the air. This process is known as airborne transmission. यानी airborne transmission होगी सबसे पहले कि अगर आप उनके droppings को उनके urine को जो है वो touch कर लेंगे या वो अगर हवा में उसका virus उड़ के चला गया है तो वहाँ से वो क्या होगा through nasal या through mouth जो है oral cavity वो आपके अंदर जो है वो infection का bias बन सकता है patient के अंदर. There are several other ways rodents may spread hantavirus to people. Like if a rodent with the virus bites someone, the virus may be spread to that person, but this type of transmission is rare. यानी ऐसे होता नहीं है कि rodent किसी को काट ले. Scientists believe that people may be able to get the virus if they touch something that has been contaminated with rodent urine, droppings or saliva, and then touch their nose or mouth. यानी कुछ ऐसी जगह को touch कर लीजिए जहाँ पे उसका saliva है rodents का या उनके feces हैं या उनका urine है. तो फिर बाद में अपने माउथ या नोज़ को टच कर लिया जाए तो इससे भी क्या हो सकती है इन्फेक्शन हो सकती है और इसकी ट्रांसमिशन इस तरह से होगी साइंटिस्ट आल्सो सस्पेक्ट पीपल कैन बिकम सिक इफ दे ईट फूड कंटेमिनेटेड बाय यूरिन ड्रॉपिंग्स और सलाइवा फ्रॉम एन इन्फेक्टेड रोडेंट यानी अगर आप ऐसी कोई खुराक लेते हैं जिसमें इनका रोडेंट्स के ड्रॉपिंग्स हैं यूरिन या सलाइवा मिला हुआ है तो उससे भी क्या हो सकती है इन्फेक्शन हो सकती है और शर्त क्या है कि इन्फेक्टेड रोडेंट होना चाहिए The hantaviruses that cause human illness in the United States cannot be transmitted from one person to another. अब United States के अंदर जो है ऐसे नहीं होगा कि एक person से दूसरे person को भी hantavirus की जो है वो syndrome लग जाए For example, you cannot get these viruses from touching or kissing a person
who has a hantavirus pulmonary syndrome, or from a healthcare worker who has treated someone with the disease. So now we will discuss about the people who are at the high risk for hantavirus infection. Anyone who comes into contact with rodents that carry hantavirus is at risk of hantavirus pulmonary syndrome. Rodent infestation in and around the home remains the primary risk for hantavirus exposure. Even healthy individuals are at risk for hantavirus pulmonary syndrome infection if exposed to the virus. Any activity that puts you in contact with rodent droppings, urine, saliva, or nesting materials can place you at risk for infection. Now in this slide we will discuss about the potential risk activities for hantavirus infections. The first activity is opening and cleaning previously unused buildings. Yani wo ghar ya wo imaratein jinko bahut arse se band rakha gaya hai aur baad mein ja ke unki safai wagaira ki jati hai, unko clean kiya jata hai. To wahan pe kya ho sakta hai ke infected rodents ki droppings ho sakti hain, urine ho sakta hai, saliva ho sakta hai, jisse kya hai infection ke chances badh sakte hain. क्योंकि ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन होगी, वो हवा में उड़ेंगे ज़र्रात वगैरह, जब सफाई होगी तो उससे वो नेज़ल कैविटी या माउथ ओरल कैविटी के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं. सो ओपनिंग और क्लीनिंग कैबिन्स, शेड्स एंड आउट बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग बार्न्स, गैराजेस एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ दैट हैव बीन क्लोज्ड ड्यूरिंग द विंटर इज़ अ पोटेंशियल रिस्क फॉर हैंटावायरस इन्फेक्शन, स्पेशली इन रूरल सेटिंग्स. सेकेंड क्या है, हाउस क्लीनिंग एक्टिविटीज़. Cleaning in and around the home can put you at the risk if rodents have made their homes too. अगर वहाँ पर rodents ने भी अपने घर बना लिए हुए हैं तो उससे भी infection हो सकती है. तीसरा क्या है, work related exposure. Construction की जा रही है, utility and pest control workers can be exposed when they work in crawl spaces, under houses or in vacant buildings that may have a rodent population. अब जब सफाई कर रहे होते हैं या कोई भी construction company है तो वो क्या है, जब कहीं किसी जगह पे इमारत तमीर कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ बिल हो सकते हैं, कुछ ऐसी साइट्स हो सकती हैं जहाँ पे रोडेंट्स रहते हैं, तो उनको भी इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ कैंपर्स एंड हाइकर्स. कैंपर्स एंड हाइकर्स कैन आल्सो बी एक्सपोज व्हेन दे यूज़ इन्फेस्टेड ट्रेल शेल्टर्स और कैंप इन अदर रोडेंट हैबिटेट्स. द चांस ऑफ बींग एक्सपोज टू हैंटावायरस इज़ ग्रेटेस्ट व्हेन पीपल वर्क, प्ले और लिव इन क्लोज्ड स्पेसिस where rodents are actively living. यानी rodents जहाँ पे रह रहे हैं उनके पास अगर कोई रहता है तो उसको infected rodents से hantavirus pulmonary syndrome होने के chances भी उतने ही ज़्यादा हैं, उतना ही risk factor भी ज़्यादा है. In this slide we will discuss about the incubation time or incubation period for hantavirus infection. Incubation period is the time elapsed between exposure to a pathogenic organism, a chemical or radiation, and when symptoms and signs are first apparent. In a typical infectious disease, incubation period signifies the period taken by a multiplying organism to reach a threshold necessary to produce symptoms in the host. Incubation period kya hai ke host ke andar jo hai jab virus enter hota hai, jaise hantavirus hai, तो अपनी कॉपीज़ को मल्टीप्लाई करता जाएगा और इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इन्फेक्शन का बायस बन जाए, यानी होस्ट के अंदर अलामत बीमारी की जाहिर होना शुरू हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनक्यूबेशन पीरियड. ड्यू टू द स्मॉल नंबर ऑफ हैंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम केसेस द इनक्यूबेशन टाइम इज़ नॉट पॉजिटिवली नोन. इसके बारे में कोई एग्जैक्ट नहीं पता कि इसको कितना टाइम लगता है. हुएवर ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन इट अपीयर्स दैट सिम्टम्स मे डिवेलप बिटवीन 1 to 8 weeks. एक हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते तक जो है वो सिम्टम्स अपीयर हो जाती हैं पेशेंट में आफ्टर एक्सपोजर टू फ्रेश यूरिन, ड्रॉपिंग्स और सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड रोडेंट्स. एंड द अर्ली सिम्टम्स इंक्लूड फटीग, फीवर एंड मसल एचिज, स्पेशली इन द लार्ज मसल ग्रुप्स, थाइज, हिप्स, बैक्स एंड समटाइम्स शोल्डर्स. दीज सिम्टम्स आर यूनिवर्सल. देयर मे ऑल्सो बी हेडेक्स, डिजीनेस, चिल्स एंड एबडोमिनल प्रॉब्लम सच एज नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड एबडोमिनल पेन. अबाउट हाफ ऑफ ऑल केसेज एक्सपीरियंस दीज सिम्टम्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लेट सिम्टम्स. 4 to 10 days आफ्टर द इनिशियल फेज ऑफ इलनेस द लेट सिम्टम्स ऑफ हैंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम अपीयर
These include coughing and shortness of breath. अब सांस लेने में शदीद दुश्वारी चूंकि होती तो ऐसे लगता है जैसे किसी पेशेंट को ऐसे फील होता है कि उसके माउथ पे किसी ने कपड़ा रख दिया है, उसके लंग्स में कोई चीज़ फ्लूइड भर गया है और उसकी सांस किसी ने रोक दी हो, तो इस तरह की अलामत इसमें अपीयर होती हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, इज दिस डिजीज़ अ फैटल डिजीज़? येस ऑफ कोर्स, हेंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम कैन बी फैटल, यानी हलाक कर सकती है, डेथ हो सकती है इसकी वजह से। इट हैज़ अ मोर्टेलिटी रेट ऑफ 38%। हाउ वी कैन डायग्नोज हेंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम? डायग्नोजिंग हेंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम इन एन इंडिविजुअल हु हैज़ ओनली बीन इन्फेक्टेड अ फ्यू डेज इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज अर्ली सिम्टम्स सच एज फीवर, मसल एचिज एंड फटीग आर ईजीली कन्फ्यूज विद इन्फ्लुएंजा। However, if the individual is experiencing fever and fatigue and has a history of potential rural rodent exposure together with the shortness of breath, would be strongly suggestive of hantavirus pulmonary syndrome. If the individual is experiencing these symptoms, they should see their physician immediately and mention their potential rodent exposure. यानी जो इसकी डायग्नोसिस है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है क्योंकि डॉक्टर्स को लगता है कि पर्सन को क्या हुआ है, इन्फ्लुएंजा या फ्लू हो सकता है क्योंकि अलामत फ्लू जैसी इसकी होती हैं। लेकिन अगर पेशेंट बताया गया कि वो किसी ऐसे एरिया में गया था जहाँ पे रोडेंट्स थे, उसका एक्सपोजर वहाँ पे हुआ है उनके फीसीज के साथ, ड्रॉपिंग्स के साथ, यूरिन के साथ, तो फिर वो जो है वो डॉक्टर को पता चल जाएगा कि बंदे में अलामत जो हैं वो किसकी हैं, हेंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम की अलामत हैं जिसमें उसकी सांस लेने में उसे दुश्वारी का भी सामना करना पड़ेगा। आर देयर एनी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हेंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस ऑफ पेशेंट्स दैट डिवेलप हेंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम फ्रॉम न्यू वर्ल्ड हेंटा वायरस इज रिकवर कम्प्लीटली। यानी इसमें ये नहीं होगा कि बार बार जो है वो अलामत ज़ाहिर होनी शुरू हो जाए, दोबारा जो है वो हेंटा वायरस जो है उस बंदे में आ जाए। नो क्रोनिक इन्फेक्शन हैज़ बीन डिटेक्टेड इन ह्यूमंस, और ये भी नहीं होगा कि अलामत परसिस्ट करती रहें। सम पेशेंट्स हैव एक्सपीरियंसड लॉन्गर दैन एक्सपेक्टेड रिकवरी टाइमिंग बट द वायरस हैज़ नॉट बीन शोन टू लीव लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन द पेशेंट। नाउ इन दिस लास्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ हेंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। देर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, क्योर और वैक्सीन फॉर हेंटा वायरस इन्फेक्शन। यानी इसके लिए ना कोई ट्रीटमेंट है, ना क्योर है, ना ही कोई वैक्सीन है। जस्ट केयर दी जा सकती है कि ICU में पेशेंट को रखा जाए और उसको ऑक्सीजन दी जाए ताकि उसको सांस लेने की जो दुश्वारी है वो उस पर काबू पा सके। हाउएवर वी डू नो दैट इफ़ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स आर रिकॉग्नाइज अर्ली एंड रिसीव मेडिकल केयर इन एन इंटेंसिव केयर यूनिट दे मे डू बेटर। In intensive care, patients are intubated and given oxygen therapy to help them through the period of severe respiratory distress. The earlier the patient is brought into intensive care, the better. If a patient is experiencing full distress, it is less likely the treatment will be effective.